Now next C program based on again number system conversion. In this case, just perform करें how to converting any octal integer or octal number into equivalent hexadecimal number format. In this case, में just octal number को मैं integer number में represent ना करके इसको सबसे पहले इस्तो कराएं in the form of a string. Clear? इससे आपके लिए long number कोई भी lengthy number use करना possible. Same as जब भी result generate हुआ hexadecimal के केस में result को भी इस्तो किस format में कराएंगे also in the form of a string. A string means array of characters. फाइनली सो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में जब भी आप यूजर डिफाइन से सारे लॉजिक्स में यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा. क्लियर? यूजर डिफाइंड फंक्शंस के रिस्पेक्ट में इनपुट में क्या पास करूंगा? ऑक्टल. लेकिन ये ऑक्टल किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में. इसलिए फंक्शन का आर्ग्यूमेंट टाइप क्या यूज करेंगे? एरे ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टर पॉइंटर. सिमिलरली फंक्शन से जब रिजल्ट रिटर्न कराओ तो रिजल्ट किस फॉर्मेट में स्टोर करो? ऑल्सो एरे ऑफ कैरेक्टर. तो फंक्शन से रिटर्न भी क्या हो रहा है? अगेन कैरेक्टर एरे. इसलिए रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे? ऑल्सो कैर स्टार. सीधा फंक्शन कैर स्टार फंक्शन नेम. इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है? हेक्सा ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन. तो इस केस में फंक्शन नेम जस्ट यूज कर रहा हूँ ओ सी टी टू हेक्स. देन आर्ग्यूमेंट टाइप्स. आर्ग्यूमेंट्स में ओनली सिंगल इनपुट रिक्वायर्ड है. जैसे इनपुट वैल्यू एरे किस फॉर्मेट में? ऑक्टल रिप्रेजेंटिंग. इसे इट विल रिप्रेजेंटिंग ऑक्टल डिजिट्स. नेक्स्ट वन. इस केस में जस्ट इस प्रोसेस को फिनिश करने के लिए सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा. लॉजिक से फिनिश होने के बाद फाइनली या फिर लॉजिक के साथ साथ पैरेलल में परफॉर्म क्या करेंगे? सोर्स कोड. काफी इजी कॉन्सेप्ट है. इस पर्टिकुलर केस की बात करें, अगर नॉर्मल केसेस में बात करें, अगर आपके पास कोई भी ऑक्टल नंबर अवेलेबल है, अगर किसी ऑक्टल नंबर को इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कराना है, मींस कन्वर्ट किस में कराना है? हेक्साडेसिमल. ऑक्टल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑक्टल के केस में बेस क्या होगा? 8. और हेक्साडेसिमल के केस में बेस क्या रहता है? जस्ट 16. अवेलेबल बेस क्या आपके पास? बेस 8. रिक्वायर्ड बेस क्या? बेस 16. जस्ट इस केस में कन्वर्जन की बात करें, जनरली कन्वर्जन कभी भी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कभी भी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता. इस केस में जस्ट आप फॉलो क्या करोगे? आपके पास टू अप्रोच हैं. सबसे पहले ऑक्टल को कन्वर्ट किस फॉर्म में करा सकते हो? बाइनरी. एंड बाइनरी को कन्वर्ट किस में कराओगे? हेक्सा. क्लियर? दूसरा आपके पास चॉइस क्या है? कन्वर्टिंग ऑक्टल. ऑक्टल को कन्वर्ट किस में करा सकते हो? डेसिमल. एंड डेसिमल को किस फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगे? जस्ट हेक्सा. इसमें से कोई भी एक ऑपरेशन आपके लिए सिलेक्ट करना पॉसिबल. तो जस्ट इस केस में पर्टिकुलर आपके पास अगर कोई ऑक्टल नंबर अवेलेबल, तो ऑक्टल को सबसे पहले मैं इस केस में कन्वर्ट कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. मीन्स मैं सेकंड अप्रोच फॉलो करूंगा, क्योंकि इस केस में दोनों ही केस आपको परफॉर्म करा चुका हूं. मीन्स ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल्स के थ्रू, प्रीवियस प्रोग्राम्स के थ्रू ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने सेपरेटली प्रोग्राम डिजाइन किया था प्रीवियस सेशंस में. सेम एज अगेन डेसिमल को कन्वर्ट किस में कराओगे? हेक्साडेसिमल. डेसिमल को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको सेपरेटली लॉजिक्स प्रोवाइड कर चुका हूँ. इसे दोनों ही लॉजिक्स में टू सेपरेट प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर चुका हूँ, प्रोग्राम वन और प्रोग्राम टू. मीन्स जस्ट इसके लॉजिक्स ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूँ, इसको जस्ट दोनों ही लॉजिक्स को कंबाइन करना है. दोनों ही लॉजिक्स को कंबाइन कर देना, ये ऑक्टल कन्वर्ट किस में जाएगा? फाइनली हेक्साडेसिमल. तो इसके इसमें ऑक्टल भी किस फॉर्मेट में रीड कराएंगे? कैरेक्टर एरे के फॉर्म में. और हेक्साडेसिमल का रिजल्ट भी किस फॉर्मेट में स्टोर कराएंगे? ऑल्सो एरे ऑफ कैरेक्टर. तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म क्या कराएंगे? कन्वर्टिंग गिवन ऑक्टल इंटू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल एन सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल. देन डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किस फॉर्म में कराएंगे? हेक्साडेसिमल. नॉर्मल केस में बात करें, इन दैट केस, इस केस में सबसे पहले 135 को कन्वर्ट किस में करेंगे? 135 का अवेलेबल बेस क्या? बेस 8. तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट किस में कराएंगे? ऑक्टल टू डेसिमल. डेसिमल के केस में जस्ट रिक्वायर्ड बेस क्या रहेगा? बेस 10. देन एक बार आपका रिजल्ट बेस 10 के फॉर्म में आ गया, देन इसको अगेन फर्दर कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बेस 16. तो इस केस में फॉलो क्या करेंगे? दिस थर्ड केस. क्लियर? नॉर्मल केस में, इस केस में अगर कन्वर्जन परफॉर्म करें, तो सबसे पहले 135 को कन्वर्ट किस फॉर्म में कराओगे? इन द फॉर्म ऑफ जस्ट, सबसे पहले मैं नॉर्मल कन्वर्जन बता रहा हूँ, देन प्रोग्रामिंग के थ्रू जस्ट इसको कंप्लीट करेंगे. अगर नॉर्मल कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में बात करें, 135 के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, सभी डिजिट्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मीन्स अवेलेबल बेस क्या है? 8. 8 टू द पावर 0 प्लस मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 2. 8 टू द पावर 2 इज नथिंग बट 64. 64 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 64. देन 8 टू द पावर 1 इज 1 8. 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 24.
Then 8 to the power 0 is 1, 1 multiply 5 is 5. Then finally इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? 393. रिजल्ट क्या आएगा इस केस में? जस्ट 93. Then 93 अवेलेबल किस फॉर्मेट में? base 10 के केस में इसका रिजल्ट क्या जनरेट होगा? जस्ट 93. एक और मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं. 64 plus 24 is 88 plus 5 is 93, correct. Next one, अब 93 के केस में 93 किस फॉर्मूले में? base 10. देन अगेन इस base 10 के नंबर को कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले अभी परफॉर्म क्या हुआ? जस्ट ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन. नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराओ? डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन. तो डेसिमल के केस में भी अवेलेबल बेस क्या? base 10. कन्वर्ट किस फॉर्म में कराना? base 16. तो base 16 में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट जब भी आप किसी भी एनी टू डेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म कराते देन एनी का बेस इंक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में सभी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कराते देन सभी एक्सप्रेशन के सम को डिस्प्ले कराते देन. लेकिन जब आप किसी भी नंबर के डेसिमल को हेक्सा डेसिमल किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दें जो भी रिक्वायर्ड केस है उस पर्टिकुलर बेस से आप डिवाइड करोगे. इस केस में 93 को जस्ट डिवाइड किससे कराएंगे? डिवाइडेड बाई 16. तो 93 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में जनरल टू रिजल्ट्स जनरेट होंगे, डिवीजन और रिमाइंडर. तो आपको जस्ट रिक्वायर्ड केस क्या? रिमाइंडर. क्लियर? इन दैट केस डिवाइड कितनी बार होगा? 5 टाइम. रिमाइंडर क्या आएगा? 13. क्लियर? देन नेक्स्ट टाइम 16 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको? 0. लेकिन डिवीजन क्या आएगा? 5. हेक्सा डेसिमल के केस में आपको याद हो ये हेक्सा डेसिमल डिजिट्स क्या होते हैं? 0 to 9 एंड A to F, ABCDEF. इसे हेक्सा डेसिमल में डायरेक्टली 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डिजिट नहीं है. इस 10 जब भी आएगा तो 10 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे? A. 11 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे? B. सिमिलरली 12 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे? C. 13 के प्लेस पर D. यहाँ इस केस में रिमाइंडर क्या? 13 के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे? डिजिट एज D. देन जस्ट बॉटम टू अप डायरेक्शन में इसको रीड डाउन करो तो इस केस में सबसे पहले क्या बॉटम है? 5 देन D. तो फाइनल इस केस में इक्विवेलेंट हेक्सा डेसिमल वैल्यू क्या आएगा? 5 D. क्लियर? दिस इज नॉर्मल कन्वर्जन. और मैनुअल कन्वर्जन, अब सेम कन्वर्जन परफॉर्म किसके थ्रू कराना? यूजिंग सी प्रोग्राम. तो सी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं लॉजिक्स प्रोवाइड करूंगा. लॉजिक्स के साथ साथ परफॉर्म क्या कराएंगे? टेस्टिंग और सोर्स कोड. इन दैट केस में सेम इनपुट के रिस्पेक्ट में जस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कराना. परफॉर्म क्या करना आपको? मीन्स सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ? हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. आप चाहो तो इसका प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हो. अगेन सेम केस में फिर से रिपीट कराऊ हाउ टू कन्वर्ट. मीन सबसे पहले परफॉर्म क्या कराऊंगा इस केस में? हाउ टू कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर इंटू इक्विवेलेंट डेसिमल. क्लियर? तो ऑक्टल के केस में ऑक्टल ऑलरेडी किस फॉर्मेट में? एरे के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल इस केस में ऑक्टल नंबर के पास क्या? 135. तो 135 को स्टोर करने के लिए जस्ट आपके पास एरे का पॉइंटर क्या है? ओ. सम एरे जैसे एरे कंटेनिंग ऑक्टल डिजिट्स. क्लियर? एंड सो ऑन. फर्स्ट केस में क्या आसान हो रहा है? डिजिट 1. सेकेंड केस में क्या है? डिजिट 3 एंड डिजिट 5. देन फाइनली इस एरे का टर्मिनेशन किससे हुआ? नल. दिस इज पॉइंटेड बाई पॉइंटर वेरिएबल ओ. नेक्स्ट वन इंडेक्सिंग 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन. क्लियर? एरे का साइज आप कुछ भी ले सकते हो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने इस केस में डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया. नेक्स्ट वन, अभी करेंटली आपके पास ऑक्टल एरे अवेलेबल. तो नेक्स्ट टाइम आपको परफॉर्म क्या कराना है इस ऑक्टल एरे के रिस्पेक्ट में? जस्ट मैंने प्रीवियस केस में आपको एक्सप्लेन किया था इसके जितने भी डिजिट्स हैं तो डिजिट्स के रिस्पेक्ट में जस्ट डिजिट्स को राइट डाउन करने का वे क्या हुआ? डिजिट्स क्या है? 1, then 3, then 5. फर्स्ट टाइम इस 8 to the power 0 और 8 to the power 0 इज नथिंग बट इट इज सिंपली 1. देन 3 मल्टीप्लाई बाई 8 to the power 2. 8 to the power 2 इज नथिंग बट इट इज सिंपली 8 to the power 1 आएगा सिंपली 8. नेक्स्ट वन 8 to the power 2 विच इज नथिंग बट 64. तो इस टाइप से सबसे पहले इसको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ब्रेक करेंगे. इस एक्सप्रेशन के केस में एरे के केस में जस्ट राइट टू लेफ्ट एलिमेंट्स को रीड कराएंगे. सबसे पहले ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन किस साइड से परफॉर्म करेंगे? राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट के केस में जो भी राइट मोस्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या है? 5.
इज जस्ट प्रीवियस एलिमेंट ऑफ नल। तो इस केस में जस्ट इसे एरे के इंडेक्सिंग को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, इंटीजर वेरिएबल आई। वन मोर केस, अभी मैं आपको सिंपली कॉन्सेंट्रेट क्या करना, ओनली ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके जस्ट बाद इसी प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। नेक्स्ट वन, इन दैट केस क्रिएट क्या किया सम वेरिएबल आई प्लस, इस केस में पावर को मैनेज करने के लिए, पावर के केस में फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है वन, सेकेंड टाइम वैल्यू क्या हुआ पावर का एट, थर्ड टाइम पावर का वैल्यू क्या हुआ डायरेक्टली 64। तो पावर को मैनेज करने के लिए सेपरेट वैल्यू रिक्वायर्ड हुआ समथिंग पी। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन को स्टोकेशन कराया सम सेपरेट वेरिएबल प्लस, कैलकुलेशन में जनरेट क्या हो रहा है इस रिजल्ट, रिजल्ट किस फॉर्मेट में डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए सेपरेट वेरिएबल यूज करेंगे, इस वेरिएबल का नेम यूज कराया डेसिमल, डेसिमल और सिंपली डी। इस केस में डी क्या रिप्रेजेंट करें जस्ट डेसिमल इंटीजर, डी के केस में इनिशियलाइजेशन किससे कराएं डिफॉल्ट वैल्यू इज जीरो। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अब इस केस में जस्ट ऑपरेशंस कैलकुलेट कराऊंगा, परफॉर्म कराऊंगा। इस केस में फर्स्ट वन, सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड क्या है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स किससे आएगा, जस्ट लेंथ माइनस वन। इसे स्ट्रिंग के केस में लेंथ की बात करें, लेंथ क्या है थ्री, थ्री माइनस वन क्या आएगा टू। इस केस में जैसे ही इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएंगे, ऑपरेशन में राइट टू लेफ्ट परफॉर्म कराऊंगा, सबसे पहले फाइव को रीड करेंगे, तो फाइव इनिशियली किस फॉर्मेट में जस्ट डिजिट, तो इसको कन्वर्ट किस में कराओगे, सॉरी फाइव अवेलेबल किस फॉर्मेट में जस्ट कैरेक्टर, लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन अगर आप डायरेक्टली इस टाइप से परफॉर्म कराते तो सिंगल कोर्ट्स के फॉर्म में फाइव के प्लेस पर कंसिडर होगा फाइव का आस्की वैल्यू विच इज 53, देन 53 मल्टीप्लाई वन विच इज रॉन्ग। जबकि मल्टीप्लीकेशन किससे कराना है फाइव से, तो फाइव को इस फाइव के प्लेस पर लॉजिकली क्या 53, इसको फाइव में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट किससे कराएंगे माइनस आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, देन इस केस में इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 8 टू द पावर जीरो, और 8 टू द पावर जीरो इज नथिंग बट इट इज अ वन। इस केस में फाइनली फाइव के प्लेस पर क्या आएगा, इस एरे का नेम क्या है ओ, ओ ऑफ इंडेक्स क्या है इस एलिमेंट का टू माइनस जीरो देन वन। फर्स्ट टाइम ये वन किस में स्टोर हुआ वेरिएबल पी के अंदर, इस प्लेस पर यूज क्या करेंगे पी, दिस इज द जनरल टाइम। क्लियर। इस केस में जस्ट जो लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें तो लूप के रिस्पेक्ट में, इस केस में एक एरे रिक्वायर्ड होगा, बाद में मैं डिक्लेरेशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि फाइनली आपको रिटर्न क्या कराना है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल भी एरे में स्टोर हुआ, तो हेक्साडेसिमल के रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे में स्टोर क्या कराएंगे जस्ट हेक्साडेसिमल रिजल्ट। इस केस में इसका साइज यूज किया जस्ट 10। क्लियर। देन इसे एरे के केस में इसका टाइप क्या लेना होगा जस्ट स्टैटिक, जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी डी एलोकेशन, स्टैटिक कैर हैक्स। स्टैटिक के केस में एरे एग्जिस्ट कब तक करेगा, थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। नेक्स्ट वन, इस केस में हैक्स से एरे क्रिएट होगा, इसको इसके लिए मैं डायग्राम जस्ट बाद में रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि अभी जस्ट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, क्योंकि आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को कॉन्सेंट्रेट करना, सबसे पहले सॉल्व क्या करना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के केस में फाइव, फाइव का इंडेक्स क्या है टू, तो इस केस में लूप के थ्रू मैनेज करेंगे सब कुछ, लूप के केस में फर्स्ट वन, फोर लूप के केस में आई का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ आई इक्वल्स टू, आई में सन क्या कराएंगे लेंथ ऑफ ऑक्टल एरे माइनस वन, लेंथ क्या है इसका थ्री, थ्री माइनस वन क्या आएगा टू, देयरफॉर वी आर यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन एस टी आर एल ई एन, लेंथ किसका रिक्वायर्ड है ओ माइनस वन। क्लियर। तो इस केस में जस्ट वेरिएबल क्या क्रिएट हो रहा है, वेरिएबल इज आई एंड अदर वेरिएबल क्या है जस्ट पी, क्लियर। इसके अलावा अदर वेरिएबल क्या है डी, डी के केस में जस्ट स्टोर क्या हुआ रिजल्ट, वेरिएबल एज डी, डी में स्टोर हुआ डेसिमल नंबर, तो डी का इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो। आई के केस में क्या समझ जाएगा, लेंथ क्या है इसका जस्ट थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, तो आई का वैल्यू क्या है इसके इसमें टू। प्लस पी के केस में आपको याद हो पी के केस में फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वन, और सेकेंड टाइम क्या है एट, और थर्ड टाइम 64। फर्स्ट टाइम पी में क्या सन करा हुआ पी इक्वल्स टू वन, प्लस इस केस में ये ऑपरेशन सबसे पहले कैलकुलेशन किसके लिए हुआ डिजिट फाइव देन थ्री देन वन, देन जैसे इस केस में जीरो इंडेक्स का एलिमेंट डिट हो जाए उसके बाद आई का वैल्यू क्या जाए माइनस वन, उस केस में आप जस्ट ऑपरेशन फिनिश करोगे, क्योंकि आगे इसके पहले कोई डिजिट ही फाउंड नहीं हो रहा, इसके लिए इस केस में कंडीशन क्या रहेगा जब तक आई का वैल्यू या तो जीरो से बड़ा या आई जीरो के इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट वन,
इसके जस्ट बाद कंडीशन के जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराएं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आई के केस में फर्स्ट टाइम क्या आएगा 2, सेकंड टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 0, नेक्स्ट टाइम -1। तो ऑपरेशन क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करेगा, डिक्रीजिंग मींस राइट टू लेफ्ट रिट्रीट करेगा, इसलिए क्या आएगा जस्ट आई -, कॉमा एवरी टाइम पी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम पी का वैल्यू क्या 1, सेकंड टाइम 8, नेक्स्ट टाइम इसे 8 को आप राइट क्या कर सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाई 1, और 64 को राइट क्या कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1। तो जस्ट इस केस में यूज क्या करेंगे, पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 1। जस्ट इस पी के थ्रू मैनेज किया हुआ पावर ऑफ 8 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर। जस्ट इसके थ्रू पावर मैनेज होगा। नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर जस्ट राइट डाउन क्या करेंगे दैट एक्सप्रेशन, इसे एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आ गया रिजल्ट एवरी टाइम स्टोर किस में कराएं डी में। तो डी के केस में जस्ट स्टोर क्या करो, डी इक्वल्स टू न्यू वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ डी प्लस देन ओ ऑफ 2, ओ ऑफ 2 के प्लेस पर क्या यूज करेंगे ओ ऑफ आई, देन ओ ऑफ आई इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है डिजिट्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स को डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे आस्की वैल्यू ऑफ 0, क्लियर। देन इसको मल्टीप्लाई किससे कराओगे 8 टू दी पावर, और 8 का पावर मैनेज किसके थ्रू रहा पी के थ्रू, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करा पी से, क्लियर। इस लॉजिक को जस्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट इसको थोड़ा सा फर्स्ट के नंबर क्या आपके पास है इनपुट नंबर क्या है 135, कन्वर्ट किस में कराना है जस्ट बेस 16 में, पहले कन्वर्ट किस में हुआ बेस 10 में, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए जस्ट 93, देन बेस 16 में इसका रिजल्ट क्या आएगा 5D, क्लियर। जस्ट इसको मैं 1x1 स्टेप वाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट केस चेक कर दें इसको, जैसे कोड को कम्प्लीटली पहले एग्जीक्यूट करा लेते हैं, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कराने के रिस्पेक्ट में जैसे ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म तो आई में क्या आसान हुआ लेंथ -1, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, पी के केस में क्या आसान हुआ 1, देन कंडीशन टेस्टिंग 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फर्स्ट टाइम कंडीशन कैसा ट्रू ट्रू है, देन इस केस में जस्ट डी में क्या आसान हो जाएगा वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ डी, एग्जिस्टिंग वैल्यू नथिंग बट विच इज 0, क्लियर। फर्स्ट टाइम इस टर्म को सॉल्व करें इस टर्म का रिजल्ट किस में आसान हो जाएगा डी में। नेक्स्ट वन इस टर्म का रिजल्ट नेक्स्ट टाइम एड किस में हुआ नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इन दोनों टर्म का रिजल्ट एवरी टाइम मैनेज किस में हुआ डी में, और डी का वैल्यू अगेन फिर से एड किस में हुआ नेक्स्ट टर्म, लाइक दिस टाइप से ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैंने गिवन एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया। ओ ऑफ आई में आई का वैल्यू क्या है 2, माइनस 0 का आस्की वैल्यू क्या है जस्ट 48, मल्टीप्लाई बाई पी, पी का वैल्यू क्या है 1, ओ ऑफ 2 में करेंटली क्या स्टोर है 5 का आस्की वैल्यू क्या है 53, माइनस 48 डिफरेंस क्या आएगा जस्ट 5, मीन्स एग्जैक्टली डिजिट एज 5। तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज अगेन 5 प्लस 0 इज 5, आसानी के समझ आया डी में। तो फर्स्ट टाइम आपको पता भी होना चाहिए फर्स्ट टर्म का रिजल्ट क्या था ऑल्सो 5, और 5 स्टोर किस में हो चुका है डी में, देन इसको मैं जस्ट रिमूव कर रहा हूँ क्लियर डी के लिए, मैं इसको अगेन राइट करूँ क्या था नेक्स्ट टाइम क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 64 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 लाइक दैट, और 64 के प्लेस पर राइट डाउन क्या कर सकते हैं 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 1, इसका जस्ट प्रीवियस टर्म क्या था 5 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 0 विच इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट टाइम इसका रिजल्ट क्या आया था जस्ट प्रीवियस केस में 5, और स्टोर केस में डी में, तो इस रिजल्ट को अगेन एड केस में कराएंगे नेक्स्ट टर्म से। नेक्स्ट टाइम अगेन लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कंसेंट हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आई में परफॉर्म हुआ आई -, नाउ आई बिकम्स 1, तो फर्स्ट टाइम आई किसको रिप्रेजेंट करा सेकंड इंडेक्स, अब रिप्रेजेंट किसको करेगा इसके प्रीवियस एलिमेंट को। नेक्स्ट टाइम अगेन पी के केस में, नेक्स्ट टाइम पी का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 8, तो इसलिए चेक कर सकते हो पी के केस में पी का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 1, मैंने मिस्टेक किया है, इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे जस्ट 8 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 रिजल्ट इज 8 असाइन टू द पी, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट 8, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे आई का करंट वैल्यू क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन अगेन बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, तो डी का प्रीवियस वैल्यू क्या है जस्ट 5, स्पेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 5 ही नथिंग बट प्रीवियस वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट टाइम ओ ऑफ आई का वैल्यू क्या है 1 -0, 0 के प्लेस पर क्या जाएगा अगेन 48, मीसे इसको 0 से सबट्रैक्ट करने का ओनली पर्पज क्या था जस्ट जैसे कैरेक्टर वैल्यू को डिजिट्स में कन्वर्ट करना नथिंग एल्स, देन मल्टीप्लाई बाई पी, नेक्स्ट टाइम पी के प्लेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 1, 8, और पी में अभी करंटली क्या स्टोर है 8, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 8,
then 5 plus 5 nothing only it is a previous result. This is the given expression. Is place par kya aayega just o of 1 mein kya store the digit character 3. 3 ka ASCII value kya 51. 51 minus 48 is 3. 3 multiply by 8 kya aayega 24 plus 5 means 29. 29 again के मीन दोनों का सम किस में आ क्या रहा है 29 आसानी किस में हो जाएगा अगेन डी का न्यू वैल्यू क्या 29 मींस फाइनली इस एक्सप्रेशन का दोनों का रिजल्ट क्या है 29 तो इस न्यू मींस एक अगेन किस में स्टोर है डी में इन दोनों के एडिशन को या सम को अगेन फिर से कम सम किस से कराना है नेक्स्ट एक्सप्रेशन तो अगेन सेम केस कंटिन्यू होगा परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन तो i माइनस माइनस i की वैल्यू क्या हो जाए नेक्स्ट टाइम 0 p में कैसा है p मल्टीप्लाई बाय 8 p का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 रिजल्ट इज 64 तो p का वैल्यू क्या हो जाए 64 चेक कर सकते हो p के लिए एक्सपेक्टेड भी क्या है 8 टू द पावर 2 व्हिच इज आल्सो 64 क्लियर नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन में अगर i की बात करें तो i का वैल्यू क्या है 0 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू है देन अगेन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो डी का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था 29 डी के केस में क्या स्टोर है 29 प्लस ओ ऑफ आई में करंटली आई का वैल्यू क्या है 0 0 इंडेक्स में क्या है 1 1 माइनस 0 आस्की वैल्यू में डिफरेंस क्या आएगा आल्सो 1 का देन पी का वैल्यू क्या है 64 पी में क्या स्टोर 64 चेक करो इस केस में इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 64 मल्टीप्लाई बाई 1 इस केस में क्या है 64 मल्टीप्लाई 1 इज 64 प्लस प्रीवियस सम क्या है 29 29 से ऐड कराएं तो क्या आएगा 9 4 प्लस 9 इज 13 6 प्लस कैरीज 1 7 7 प्लस 2 इज 9 क्या रहा 93 इस आपके केस में इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था 93 प्लस इन दोनों का सम भी क्या है अगेन 93 आसान केस में हो जाएगा डी में नेक्स्ट टाइम फाइनली डी की वैल्यू क्या है इस केस में 93 तो अभी तक आपने एक सिंगल कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया है डेसिमल ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन मींस फर्स्ट केस इज कंप्लीटेड मीन्स अब आपका रिजल्ट किस फॉर्मेट में जस्ट डेसिमल ऑक्टल टू डेसिमल फॉर्मेट इसे एक बार आपके पास रिजल्ट डेसिमल फॉर्म में आ गया इससे डेसिमल का रिजल्ट किस में वेरिएबल डी के अंदर डी का फाइनल वैल्यू क्या है इस केस में 93 और अभी तक आई के केस में अभी भी लूप अभी बंद नहीं हुआ लूप के केस में जैसे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल अगेन कहाँ जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन आई का वैल्यू 0 0 माइनस 1 इज माइनस 1 पी में कैसा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 64 रिजल्ट क्या आएगा 512 देन कंडीशन टेस्ट करें तो कंडीशन में आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएं माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कंडीशन इज फॉल्स फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड लूप जब कंट्रोल लूप के बाहर आएगा तो इस बात की श्योरिटी आपके पास अभी रिजल्ट किस फॉर्मेट में आ चुका है अभी तक डेसिमल फॉर्मेट अब इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किस में करा हुए जस्ट बेस 16 तो बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 93 को एवरी टाइम डिवाइड किससे कराएंगे अगेन रिक्वायर्ड बेस क्या 16 फर्स्ट टाइम 16 से डिवाइड करेंगे 16 मल्टीप्लाई 5 इज 80 93 को 80 से सबट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट क्या आएगा जस्ट डिफरेंस क्या आएगा 13 क्लियर लेकिन 13 के प्लेस पर रिक्वायर्ड क्या है जस्ट डी तो इसको जस्ट लॉजिकली रिएक्टिव करेंगे इसके बाद अगेन डिवाइड करेंगे 5 को 16 से तो इसके इसमें डिवीजन क्या रहा है 0 प्लस डिवीजन एवरी टाइम आसान किसमें कराएंगे सेम वेरिएबल डी मीन से 93 किसमें था डी में तो बार बार मीन फर्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 93 सेकंड टाइम डी का वैल्यू क्या हो 5 थर्ड टाइम डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 तो फाइनली 0 होने पर रिमाइंडर क्या रहा अगेन 5 देन 5D आपके पास रिजल्ट अवेलेबल है लेकिन ये डिवीजन कब तक हुआ जब तक D का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है क्लियर अगेन ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे बाय यूजिंग फॉर लूप के रिस्पेक्ट में इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा मीन्स रिजल्ट क्या है D5 लेकिन इसको रिवर्स कराने के बाद रिजल्ट क्या आएगा 5D तो फर्स्ट टाइम जस्ट इसका रिजल्ट किस में स्टोर करा हुआ जस्ट हेक्सा डेसिमल के लिए ऑलरेडी सेपरेट एरे क्रिएट किया है हेक्स इस पर्टिकुलर केस में जस्ट इसकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्लियर नेक्स्ट टाइम एक और एरे क्या इसके इसमें हैक्स और हैक्स एरे के किस में जस्ट एलिमेंट्स क्या स्टोर है सम गार्बेज वैल्यूज और वी कैन से 0 क्लियर लेकिन इसे हैक्स एरे में स्टोर क्या कराना है रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है गिवन इनपुट के रिस्पेक्ट में 5D इंडेक्सिंग वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको याद हो इस केस में एरे का टाइप क्या है स्टैटिक के केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे 0 विच इज इक्वलेंट टू नल अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर एरे अगर जैसे एरे का टाइप कैरेक्टर एरे तो नहीं सभी प्लेस पर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे नल
नेक्स्ट टाइम अगेन आपको परमिशन इस केस में जब 93 के केस में फर्स्ट टाइम 16 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या रहा 13, पहले तो आप 13 को डी में कन्वर्ट कराओ, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कराओ, डिजिट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो भी डी है तो डी किस में साइन होगा, एरे के अंदर। एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स में साइन करें, 0, नेक्स्ट एलिमेंट 1, तो एरे के अंदर अगेन इंडेक्सिंग मैनेज करने के लिए फिर से मैं सेम वैल्यू यूज करूंगा आई, लेकिन आई के केस में अगेन फिर से वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड है इस केस में 0। लूप के केस में जैसे आई में क्या आसान कराएंगे आई इक्वल्स टू 0, तो नेक्स्ट टाइम फिर से जब नेक्स्ट लूप चलेगा, नेक्स्ट सेकंड लूप का पर्पज क्या है, कन्वर्टिंग गिवन डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल, क्लियर। इस केस में पी की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट किस में कराना है, हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कराने के लिए आई में अगेन क्या आसान हो चुका है 0, क्योंकि इस केस में एरे का इंडेक्स क्या है 0। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या, इस केस में लूप कब तक चलाना है, जब तक रिजल्ट मीन्स डेसिमल नंबर का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता, मीन्स जब तक डी जीरो से बड़ा, मीन्स व्हाइल डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी के रिस्पेक्ट में बात करें तो डी के लिए एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ, डी में फर्स्ट टाइम क्या था 93, तो नेक्स्ट टाइम इसको डिवाइड किससे करें, डी डिवाइड किससे हुआ 16 से, डी को 16 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या मिला आपको 5 अगेन डी में साइन हुआ, इस केस में यूज क्या करें, डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई 16, इसे d को डिवाइड किससे किया 16 से, क्लियर, डिवीजन क्या है 5, नेक्स्ट टाइम 5 अगेन 16 से डिवाइड हुआ, रिजल्ट क्या मिलेगा इस केस में 0। i के रिस्पेक्ट में बात करें, i के थ्रू इंडेक्स मैनेज रहे, तो i के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या कराना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्रीवियस केस में i में डिक्रीमेंट हुआ था लेकिन इस केस में i के रिस्पेक्ट में क्या परफॉर्म हुआ, जस्ट इंक्रीमेंट एवरी टाइम i प्लस प्लस, क्लियर। नेक्स्ट वन करेंटली डी के रिस्पेक्ट में बात करें, डी का वैल्यू क्या है 93, तो परफॉर्म क्या कराना है, डी को डिवाइड किससे करा हुआ है, जस्ट 16 प्लस इसका रिजल्ट किस में स्टोर हुआ, हेक्स, रिजल्ट किस में स्टोर कराएं, हेक्स, विच इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ 0, सेकंड का 1, करेंटली 0 किस में स्टोर है आई में, तो इस केस में यूज क्या करें, हेक्स ऑफ आई, और हेक्स ऑफ आई में जस्ट आसान क्या कराना है, डी मॉडिलो वाई 16, क्योंकि आपको इस केस में रिक्वायर्ड क्या है रिमाइंडर्स, अगर डी को 16 से डिवाइड करो तो फर्स्ट टाइम क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 13, रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में 13, लेकिन आपको इस केस में अगर 13 यूज करो तो डायरेक्टली से प्लेस पर इंडेक्स में आसानी क्या हो जाएगा 13, जबकि एक्सपेक्टेड क्या है 13 के प्लेस पर हेक्साडेसिमल डिजिट वैल्यू एज डी विच इज इन वैल्यू, तो इस केस में डी में कन्वर्ट करने के लिए डी का करंट वैल्यू क्या है, वेरिएबल डी अट इज द करेंट वैल्यू ऑफ डी विच इज 93, अट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है जस्ट 0, क्लियर। नेक्स्ट इस प्लेस पर जस्ट इस टाइप से मुझे 13 के प्लेस पर एक्सट्रैक्ट क्या करना है, डिजिट कैरेक्टर हेक्साडेसिमल डिजिट एज डी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यूज ना करके डी मॉड्यूलो बाई 16 को सप्लाई किसमें करेंगे, आ जाए कैरेक्टर एरे, वैसे कैरेक्टर एरे के अंदर रिप्रेजेंट क्या करेंगे, ऑल हेक्साडेसिमल डिजिट्स, और हेक्साडेसिमल डिजिट्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका जस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है मैं प्रीवियस एग्जांपल में बता चुका हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूँगा, क्लियर। 9 देन अदर हेक्साडेसिमल डिजिट्स क्या है, ए बी सी डी, जरूरी नहीं है इस प्लेस पर आप डायरेक्टली एरे राइट करोगे या स्ट्रिंग राइट करोगे, स्ट्रिंग के प्लेस पर पहले आप स्ट्रिंग को सेपरेटली भी डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक दैट केयर हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वल्स टू लाइक दैट 0, 1, 2 एंड A2F, सेम इनिशियलाइजेशन सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, इसे कंप्लीट एरे के प्लेस पर यूज क्या कर सकते हैं, एरे नेम एस एस डी, और आपको पता होना चाहिए एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है बेस एड्रेस, और स्ट्रिंग के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, तो दोनों की मीनिंग कैसे सेम, शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ प्लस इस प्लेस पर, सपोज दैट अगर मुझे जीरो इंडेक्स मीन जीरो के केस में जीरो का इंडेक्स क्या है 0, 1 का इंडेक्स क्या है 1, ए का इंडेक्स क्या है जस्ट 10, अगर मुझे ए रिक्वायर्ड है तो इस प्लेस पर इंडेक्स क्या पास करेंगे, ए का इंडेक्स क्या है 10, तो इस केस में क्या मिलेगा आपको जस्ट कैरेक्टर ए, इस पर्टिकुलर टर्म को लॉजिकली राइट डाउन करने के लिए इस प्लेस पर यूज क्या करेंगे, डेसिमल नंबर डी मॉड्यूलो वाई 16, क्लियर। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू आपके पास रिजल्ट किस फॉर्म में होगा, फाइनली हेक्साडेसिमल, इसको मैं एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ, सबसे पहले इसे एरे के रिस्पेक्ट में एरे का कोई नेम नहीं है लेकिन एरे के लिए मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ, तो इस केस में जब एरे के लिए मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ एरे का साइज क्या है
एरे के अंदर कैरेक्टर और डिजिट सिंबल्स कितने हैं 16 प्लस एक टर्मिनेट किससे होगा नल से, तो टोटल साइज क्या है इसका 17। काफी इंटरेस्टिंग केस है ऑलरेडी, इस केस को मैं प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुका हूँ इन डिटेल्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा प्रीवियस वीडियो वॉच करो, देन आपके लिए ईजिली समझना पॉसिबल है। प्लस इस केस में यूज क्या कर रहा हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशन। इस केस में एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट केस है नॉट अ इंडेक्सिंग। इंपॉर्टेंट केस क्या है एड्रेसिंग। सपोज दैट फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, नेक्स्ट का एड्रेस क्या है 101 102 1034 105 1067। ऑलरेडी मैंने पॉइंटर्स के केस में डिस्कस किया था आपके साथ, अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस एन है अगर उसी लोकेशन का वैल्यू एक्सेस करना है तो यूज क्या करेंगे स्टार, मीन्स स्टार एन। सेम केस इस केस में यूटिलाइज हो रहा है, इसे ये सिंटेक्स में जस्ट इसलिए फॉलो कर रहा हूँ जिससे आपके लिए अगर आपके साथ स्टार का सिंटेक्स किसी भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में राइट होता था ना, हो सकता है आपको इसके लेके कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो। मैं इस केस में कन्फ्यूजन को जस्ट क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस टाइप का सिंटेक्स राइट डाउन करूँ, अदरवाइज मैं सिंपल वे यूज कर सकता था लाइक दैट, ना आपके लिए ईजिली समझना पॉसिबल। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे देन ये केस कैसा आपके लिए ईजी। तो इस केस में जस्ट आसान क्या हुए कैरेक्टर्स जीरो, इस केस में डिजिट नहीं जीरो क्या कैरेक्टर, तो आसान क्या हो रहा है इस केस में जीरो कैरेक्टर वन कैरेक्टर टू, जीरो के प्लेस पर कंसिडर किया हुआ आस्की वैल्यू ऑफ जीरो विच इज 48। क्लियर 3 4 5 6 7 8 9, देन 9 के बाद जस्ट कैरेक्टर ए बी सी डी ई एफ एंड नल एंड नल। लास्ट केस में अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा ई के जस्ट बाद, ई के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, ई के जस्ट बाद कैरेक्टर क्या है F और F के बाद क्या जस्ट कैरेक्टर एस नल। क्लियर F का E का एड्रेस क्या 114, F का एड्रेस क्या 115 एंड 116। अगर किसी लोकेशन का एड्रेस है ना उसका एक्सेस करने का अदर नेम क्या होगा स्टार एन। वन मोर थिंग्स इस प्लेस पर जहाँ भी मैंने स्ट्रिंग यूज किया इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करो स्ट्रिंग का बेस एड्रेस मीन एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, देन इसको जस्ट मैं प्रोसेस कर रहा हूँ फर्स्ट वन। जैसे इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो आई में कैसा हो जाएगा आई बिकम्स जीरो। क्लियर इस लूप के थ्रू फर्स्ट केस में जस्ट परफॉर्म क्या हुआ है जस्ट ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, और सेकंड लूप के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या हुआ डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। क्लियर इन दैट केस कंडीशन टेस्ट करें डी, डी का करंट वैल्यू क्या 93 ग्रेटर देन जीरो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या हुआ बॉडी एग्जीक्यूशन। बॉडी के अंदर इस एरे के केस में आई के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या जीरो, मीन्स जो भी इसमें रिजल्ट आएगा रिजल्ट किस इंडेक्स में आसान होगा जीरो इंडेक्स। क्लियर नेक्स्ट वन इस प्लेस पर इस एरे के प्लेस पर रिप्लेस क्या करना है मीन्स एरे क्या है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे के या किसी भी टाइप के एरे के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है एरे का बेस एड्रेस। फिजिकली आपको कुछ भी सो रहा हो डजंट मैटर, मीन्स आपको सिंपली स्पेस पर रिप्लेस क्या करना है इसका बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस क्या है 100। क्लियर देन डी मॉड्यूलो वाई 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू क्या 93 और 93 को डिवाइड किससे करेंगे 16 से। क्लियर देन इसका जस्ट मीनिंग में आपको इंटरप्रेट कर रहा हूँ 93 को 16 से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आएगा इसके इसमें एग्जैक्टली 13, रिमाइंडर क्या आएगा 13। तो फाइनली टर्म क्या हो चुका है 100 ऑफ 13, देन 100 ऑफ 13 के केस में ये एक्सप्रेशन क्या लाइक लुक्स लाइक दैट ए ऑफ आई। पॉइंटर्स के केस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सारे के सारे एरे एक्सप्रेशन मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में प्रोसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। तो इक्विवेलेंट पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या राइट डाउन करो स्टार ए प्लस आई। क्लियर तो ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 100 और आई के प्लेस पर 13, तो इसका जस्ट कन्वर्जन क्या स्टार 100 प्लस 13। क्लियर 100 क्या एड्रेस, एड्रेस में 13 से इंक्रीमेंट करें कैरेक्टर का एड्रेस इसलिए 13 से इंक्रीमेंट होगा, रिजल्ट क्या है इसके इसमें 113। जब स्टार को 113 के लिए अप्लाई करो तो इसे रिटर्न क्या वैल्यू ऑफ लोकेशन 113। चेक करो इसके इसमें 113 में वैल्यू क्या स्टोर है कैरेक्टर डी। तो फाइनली इस प्लेस पर इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल इस एक्सप्रेशन के प्लेस पर क्या था स्टार 113 और स्टार 113 के प्लेस पर हम लेगा आपको कैरेक्टर डी। रियल में देखा जाए तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिला था 13, अगर आप डायरेक्टली 13 असाइन कर देते हैं 13 स्टोर होता है, जबकि हेक्साडेसिमल के रिस्पेक्ट में 13 के प्लेस पर क्या आ चुका है करेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट है डी। दिस इज द पर्पज ऑफ गिविन सिंटैक्स और गिविन एक्सप्रेशन। क्लियर स्टार से 13 जस्ट रिप्लेस किससे हो चुका है करेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट वैल्यू।
देन ये डी किसमें आसान हो जाएगा, हेक्स ऑफ जीरो, तो स्पेस पर क्या आसान होगा, कैरेक्टर एस डी, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन ऑपरेशन स्पेस से परफॉर्म, कंट्रोल कहां सेंड हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या, डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 16, डी के केस में एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 93, डिवाइड किस हो रहा 16 से, तो डिवीजन कितनी बार 5 टाइम अकॉर्डिंग टू इंटीजर ऑपरेशन, इंटीजर डिवीजन परफॉर्म क्या आएगा रिजल्ट 5, 5 केस में आसान हो जाएगा डी में, तो डी का नेक्स्ट वैल्यू क्या करंटली 5। देन डी में असाइनमेंट होने वाला आई के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ, इंक्रीमेंट, क्योंकि नेक्स्ट रिजल्ट किस इंडेक्स में असाइन कराना आपको, इंडेक्स 1, और आई का वैल्यू भी क्या हो चुका है 1। देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, डी के केस में डी का वैल्यू रिप्लेस कराओ, डी का वैल्यू क्या 5, 5 ग्रेटर देन 0 स्टिल कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, देन अगेन नेक्स्ट टाइम सेम एक्सप्रेशन फिर से रिजॉल्व करेंगे, आई के प्लेस पर क्या, मीन्स इस केस में एक्सप्रेस में आई के प्लेस पर क्या जाएगा वैल्यू ऑफ 5, जो भी रिजल्ट आएगा हेक्स एरे के अंदर किस इंडेक्स में साइन होगा, इंडेक्स 1। अगेन इस पर्टिकुलर केस का मैं डायग्राम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, इसका बेस एड्रेस क्या 100, तो अगेन इस प्लेस पर एवरी टाइम क्या रिप्लेस होगा सेम एड्रेस, तो इसके लिए मुझे बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना डी मॉड्यूलो वाई 16, तो डी का करंट वैल्यू क्या जस्ट 5 मॉड्यूलो वाई 16, 5 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा ऑल्सो 5, चेक इट, 16 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे जस्ट 0, 16 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, सेपरेट करने पर रिजल्ट क्या आ रहा 5, मीन्स इस केस में रिमाइंडर क्या 5, रिमाइंडर 5 होने के केस में जस्ट इस एक्सप्रेशन के अंदर रिप्लेस क्या हो जाएगा 100 ऑफ 5, 100 ऑफ 5 को जस्ट पॉइंटर्स के फॉर्म में प्रोसेस करो तो क्या आएगा 100 स्टार 100 प्लस 5, क्योंकि टर्म क्या ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई का कन्वर्जन क्या होता है स्टार ए प्लस आई, ए के प्लेस पर क्या जाएगा 100 और आई के प्लेस पर क्या जाएगा 5, 100 प्लस 5 कैरेक्टर एरे का एड्रेस, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा एग्जैक्टली 5, क्या आएगा 105, अप्लाई क्या होगा स्टार, स्टार जब 105 के लिए अप्लाई होगा तो रिटर्न क्या करेगा वैल्यू ऑफ लोकेशन 105, कैरेक्टर एरे इस प्लेस पर अगर आप 5 डायरेक्टली असाइन करोगे देन वो कैरेक्टर स्टोर होगा जिसका आस्की वैल्यू 5 है, लेकिन आपको इस प्लेस पर रिक्वायर्ड क्या कैरेक्टर ही क्या रिक्वायर्ड है 5, तो इसको कैरेक्टर 5 में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट ऐड क्या कराना होगा आपको आस्की वैल्यू ऑफ 0, देन ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पास इस आपको कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस केस में चेक कर सकते हो स्टार 105 के प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा वैल्यू ऑफ स्टार 105, जिस लोकेशन का एड्रेस 105 उसका उस प्लेस पर स्टोर किया है 5, लेकिन ये 5 डिजिट है 5 कैरेक्टर है 5 ऑलरेडी कैरेक्टर, इसलिए आपको कोई कन्वर्जन परफॉर्म करने की नीड नहीं है, 5 डायरेक्टली किसमें आसान होगा हेक्स ऑफ 1, 5 किस फॉर्म में जस्ट कैरेक्टर्स, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या होगा सेम ऑपरेशंस क्या इस केस में फर्स्ट वन मीन्स अगेन डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई 16, तो डी के केस में वैल्यू क्या है 5, आपको याद हो जस्ट मैंने अभी डिवीजन परफॉर्म कराया था, तो इस केस में जस्ट डिवीजन क्या आया था 0, रिमाइंडर क्या आया था 5, तो डिवीजन क्या है इस केस में 0, रिजल्ट 0 आसानी किस में हो जाएगा अगेन डी में, नाउ डी बिकम्स 0, डी का वैल्यू 0 होने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या होगा कंडीशन टेस्टिंग, वन मोर केस आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कंडीशन टेस्ट हुआ तो कंडीशन क्या है डी का वैल्यू क्या है जस्ट 0, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन बिकम फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड लूप, कंट्रोल या लूप के बाहर आएगा तो आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्लेस पर जस्ट स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने की जरूरत है, और स्ट्रिंग को टर्मिनेट किससे कराएंगे जस्ट नल से, देखा जाए तो एरे का टाइप स्टैटिक एरे है इसलिए बाय डिफॉल्ट इन प्लेसेस पर भी क्या स्टोर है ऑलरेडी नल, सभी प्लेस पर बाय डिफॉल्ट क्या है नल, फिर भी लॉजिकली आप चाहो तो फिर से इनिशियलाइज कर सकते हो, अगर आप ये स्टेट में राइट डाउन नहीं करोगे तब भी ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क करेगा, क्लियर। लेकिन फिर भी इस केस में राइट डाउन क्या करेंगे हैक्स ऑफ आई और इंडेक्स क्या था 2, इस प्लेस का इंडेक्स क्या है 2, और 2 स्टोर किस में आई में, तो इस प्लेस पर ये लोकेशन फिक्स नहीं, इसलिए मैं एवरी टाइम इस प्लेस पर 2 फिक्स नहीं करके यूज किया करूँ वेरिएबल I equals to character null, clear? I का वैल्यू क्या है 2, तो hex array के अंदर second index में आसानी क्या हो जाएगा null, जबकि already इस place पर क्या था also null, इसे मैं फिर से आपको बोला ये operation just optional है, logical behavior represent करने के लिए write down करो, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं, clear? Next one, इसके just बाद चेक करो hexameter 93 का hexadecimal number क्या है 5d, जबकि एरे में क्या स्टोर है 5d और d5, इस अभी आपके पास हेक्स एरे में एक्सपेक्टेड रिजल्ट है क्या नहीं, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ स्वैपिंग, जस्ट यूज क्या करें इस केस में रिवर्स, मीन्स जो भी स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराएंगे, इसे डी के प्लेस पर क्या जाएगा 5, 5 के प्लेस पर क्या जाएगा डी, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं एस टी आर
रीवी यूज क्या करो इस केस में, रिवर्स केस को करो, सॉरी रिवर्स ऑपरेशन नहीं, जस्ट स्वैप ऑपरेशन है। एरे का नेम क्या है, हेक्स, इस केस में हेक्स एरे के सारे एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होने के केस में डी के प्लेस पर क्या जाएगा, फाइव, और फाइव के प्लेस पर क्या जाएगा, जस्ट डी। देन फाइनली अब आपके लिए रिजल्ट को रिटर्न कराना पॉसिबल है। वन मोर थिंग्स, इस केस में मैंने ऐसा कोई ऑपरेशन टेस्ट नहीं किया कि ऑक्टल एरे के अंदर वैलिड डिजिट्स हैं इनवैलिड। मैं ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहा हूँ आप वैलिड इनपुट एंटर करो, इसे लॉजिक तभी वर्क करेंगे अगर आप वैलिड हेक्साडेसिमल, सॉरी वैलिड ऑक्टल डिजिट एंटर कराओगे, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जनरेट होने के चांसेस होंगे। रिटर्न हैक्स, क्लियर। देन क्लोजिंग दिस फंक्शंस, देन इसके ऑपरेशन टेस्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, मेन फंक्शन। फाइनली इसे केस में फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, हेक्साडेसिमल एरे, जिस प्लेस पर आपको कन्वर्जन फंक्शन कराना है उस प्लेस पर डिस्प्ले क्या करा लेंगे, सेम एरे का एड्रेस बाई यूजिंग प्रिंट एफ। और ये एरे किस टाइप का, कैरेक्टर एरे, तो उसके डिस्प्ले क्या होंगे, जस्ट एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम इस केस में मैनेज क्या करूँ, मेन फंक्शन वॉइड मैन, मैन के रिस्पेक्ट में जस्ट जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इनपुट में क्या पास करूँ, ऑक्टल, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कैर ऑक्टल एरे साइज समथिंग 20, आप कुछ भी साइज ले सकते हो 20, 10 लाइक दैट। देन नेक्स्ट वन, या मैं रेंज को भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, आपको याद हो तो इसके में जो रिजल्ट आया था वो इंटीजर टाइप के वैल्यू में, इसलिए आप ऑक्टल के केस में स्मॉल नंबर ही टेस्ट करना, इसे डिजिट कंटेनिंग, और इस केस में केवल ऐसा ही ऑक्टल नंबर टेस्ट करना जिसके अंदर मैक्सिमम 5 डिजिट्स हैं, अदरवाइज इसको केस में आपको इंटीजर के प्लेस पर डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा एज अ लॉन्ग। देन इसके अलावा एक पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा, पॉइंटर में क्या स्टोर कराएंगे, जस्ट हेक्साडेसिमल का पॉइंटर, क्योंकि इस फंक्शन से कॉलिंग प्लेस रिटर्न क्या हो रहा है, हेक्साडेसिमल एरे का एड्रेस, इस केस में हेक्स क्या है, पॉइंटर। नेक्स्ट वन, रीडिंग इनपुट्स, इनपुट्स को रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं गेट्स ओ, ओ के रिस्पेक्ट में सपोज मैंने एंटर किया 135, तो 135 कंसीडर होगा एज अ स्ट्रिंग। देन इसको जस्ट कन्वर्ट करने के लिए कॉल क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फंक्शन, इस फंक्शन से एड्रेस रिटर्न होगा, तो एड्रेस को पॉइंटर में साइन कराओ आप, आपको अगर नेम्स में कन्फ्यूज हो रहा तो इस प्लेस पर पॉइंटर का नेम मैं यूज कर रहा हूँ एज पी, जस्ट पी इक्वल्स टू कॉल कर रहा फंक्शन नेम इज ऑक्ट टू हैक्स, ऑक टू हैक्स, इनपुट में क्या पास करोगे ओ। देन जस्ट डिस्प्ले कराने के लिए पी के अंदर क्या है, कैरेक्टर एरे का एड्रेस, तो कैरेक्टर एरे का एड्रेस मीन्स स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को पुट्स फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली डिस्प्ले करना पॉसिबल है। इसे इस टाइप के लॉजिक्स फॉलो करके आपके लिए कोई भी ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पॉसिबल है।